चलने का टाइम आ गया, इतनी अच्छी जगह से अब हम लोग चलते हैं। क्या मस्त हवा चल रही है, क्या मस्त लहरें आ रही हैं। तो इन सबको छोड़ के हम लोग जा रहे हैं अपने घर। वापस घर नहीं, होटल के रूम में जाएंगे। ऐसी जगह पे ही अच्छा लगता है दीक्षा रानी को, नहीं दीक्षु? दीक्षा के पीछे ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे बिल्डिंग्स, ये पहले किसी जमाने में शहर बसा करता था, जो कि अब साइक्लोन आने की वजह से नष्ट हो गया पूरा। एक और व्यू पॉइंट जहाँ हम लोग घूमने आए, लेकिन अफसोस कि वो बंद हो चुका है, शाम ज्यादा रात हो गई है। ये वो जगह है जहाँ सीता मैया के प्यास लगने पर राम जी ने समुद्र के बीच में तीर मार कर वहाँ से मीठा पानी निकाला था। रात होने की वजह से हम लोग इसको नहीं देख पाए और ना ही पानी का स्वाद ले पाए। घूमते घूमते रात हो गई है, अब सबको भूख लग चुकी है, तो चलिए अब सभी लोग पहले खाना खा लेंगे। दीक्षा खाएगी ना, भूख लगे इसको, इडली खा लेना सारी। खा लेगी उतनी, खा लेगी वो चपाती चपाती। हाँ धोयो दिशु, हैंड वॉश की हो। सब लोगों ने हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद अब हम लोग निकल जाते हैं। कल जाना है हमें कन्याकुमारी, और उसके लिए अभी हमने यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद हमें होटल को सर्च करना है कि हम कहाँ रुकेंगे रात को। अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, बस चल रहे हैं जहाँ हमें अच्छा सा होटल मिल जाएगा हम वहाँ पर रुक जाएंगे। अभी रात को पूरी देर हम लोग सफ़र करते करते हम लोग यहाँ रुके थे, और अभी अब सुबह के 5 बज गए हैं, और अब हम लोग निकलेंगे नहा धो के कन्याकुमारी में टेम्पल में दर्शन करने के लिए। बच्चा मेरा सोया हुआ, दीक्षा उठो बेटा, नहाना नहीं है, उठ जाओ ब्रश कर लो, नहाना उठ के, सुना, उठ जाओ बेटा। अब हम लोग सब लोग निकल रहे हैं। अरे दीक्षा रानी है जो कि थोड़ा कम नहाई है। अच्छा लग रहा है दीक्षु कन्याकुमारी में? दीक्षु को लग रहा है साइलेंट, लग रहा है साइलेंस लग रहा है। आप दीक्षा घूम घूम के बोर हो चुके ना दीक्षु, है ना, है ना, ना घूम घूम के बोर हो चुके दीक्षा। आगे है सनराइज पॉइंट जहाँ से उगता हुआ सूरज लोग देखते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। वेरी मच क्राउडेड, बहुत भीड़ है यार। हाँ, दुकानें सजी हुई थी, कपड़े, शंख, शंख से जुड़े सामान, गेट तोड़न, बहुत कुछ मालाएं, और ये बहुत प्यारा प्यारा सामान था, लेकिन बहुत ही महंगा। पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, समुन्द्र के अंदर सूरज देखना बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी देर से हम लोग सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली ये सूरज निकल चुका है। कितना प्यारा लगा था इन लहरों के बीच में सूरज जो निकला, बहुत अच्छा। और ये हमारी वीडियोग्राफी, मेरी और दीक्षा की ड्रामेबाजी सब चल रही है यहीं पे। बहुत ही सुंदर सूर्य देवता के दर्शन हुए इन समुद्र के बीच में, समुद्र की लहरों के बीच में, इतने प्यारे लग रहे थे।
और यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा। और इसी समुद्र के पास एक बहुत सुंदर सा पार्क है जहाँ हम घूम रहे हैं। मूछ बन गई। ये कौन है? दीक्षित दीक्षा हो गई। सूर्य देवता के दर्शन के बाद अब हम लोग पास में यही एक मंदिर है वहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। और मंदिर के पास पहुँच के ये भीड़ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ तो है। यहाँ पे सभी लोग अपने हाथ पैर धो रहे हैं और इसके बाद हम लोग सब लोग प्रसाद लेके लाइन में लग जाएंगे। हाँ हुआ, लाइन में लग जाओ। यहाँ पे माँ कन्याकुमारी के भी दर्शन हो गए हम लोगों के, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेला हो या कुछ ऐसे हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ ही सामान होते हैं जो लिए जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें जैसे ये कपड़े हो गए, एक तो क्वालिटी इन कपड़ों की उतनी होती नहीं जितना इनका प्राइस होता है, तो फिर ये सब चीज़ें लेना तो मुझे वेस्ट ही लगता है। हाँ, वहाँ की निशानी हो कुछ ऐसा जो कहीं और ना मिलता हो, वहीं स्पेशल मिलता हो, तो वहाँ ले लेनी चाहिए। और यहाँ आ गए हैं हम, टिकट काउंटर है पानी वाली जहाज का। ये सारी भीड़ है बोटिंग करने वालों की, इतनी लंबी लाइन है, लाइन में ये भी खड़ी है, ऊंचा बना रही है। आगे बढ़ो। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी यहाँ पर कि हम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम लग गया, यहाँ पर 2-2.5-3 घंटा करीब लग गया है। और यहाँ पे लाइन में लगे लगे ये थक गई है दीक्षा और अपनी पापा की गोद में चली गई है, क्योंकि जगह भी नहीं है नीचे बच्चों के लिए, इसलिए इन्होंने गोद में ले लिया है इसे और ताकि आराम से रह पाए। और फिर ये खिड़की से ही हमने झरोकों से ये नज़ारे ले लिए हैं, कुछ इस तरह से बाहर से दिख रहा था, यहीं से हम लोग टाइम पास कर रहे थे क्योंकि लाइन तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ नहीं रही है, तो हमने सोचा यहीं से टाइम पास कर लें। तो ये रही कुछ नज़ारे, नाव हैं जो ये समुद्र में चलती हैं, कुछ यही ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि जब इंतज़ार करो ना तो ये जब चीज़ें दिख रही है ना वही चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हम बाहर एकदम अंदर लाइन में लगे लगे थक चुके हैं।
फाइनली हम बाहर आ गए हैं। लाइन में इतनी देर से खड़े खड़े एकदम थक चुके हैं, लेकिन ये देख के नज़ारा वाह कितना अच्छा लग रहा है। समुद्र के अंदर ये जहाज, अब हम लोग इसमें जहाज में चढ़ के और ये जो मूर्ति दिख रही है ना, हम यहाँ तक जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये दिसंबर का मौसम, यहाँ पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन ये है कि हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सही लग रहा है मौसम। इससे सवारी करने के लिए हमें दो ढाई घंटे हो गया लाइन में लगे हुए। इससे हम जाएंगे और वहाँ टेम्पल में दर्शन करके, कहाँ है टेम्पल, इधर टेम्पल में दर्शन करके हम लोग वापस आएंगे। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे उतार देगी। चलो देखो, चलो चल 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 लाइफ जैकेट। हाँ, ये लाइफ जैकेट कम और कोई सजा ज्यादा लग रही है, बट सुरक्षा के उस तौर पे हमें इसे पहनना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने पहना, वरना मुझे पहनने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी गंदी गंदी सी थी ये लाइफ जैकेट। वाह से हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ है स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू मंदिर, यहाँ पे उनके गुरुदेव की, उनकी माता जी की और उनके पिताजी की तस्वीर लगी हुई है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम नहीं लेके गए। आप बाहर से दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। वहाँ ये वह स्थान है, यहाँ पे एक पद चिन्ह उभरे हुए हैं जो कि कहा जाता है कि देवी कुमारी के हैं, जो कि माता पार्वती का एक रूप था, जो कि शिव जी को पाने के लिए तपस्या उन्होंने की थी, उन्हीं का एक रूप था। अंदर राम कृष्ण परमहंस का बड़ा सा स्टैचू था, उनकी मदर शारदा की फोटो थी और एक मेडिटेशन हॉल भी है अंदर। वहाँ से होके आई हूँ मैं जा रही हूँ, सब लोग कॉल करके मुझे बुला रहे कहाँ है कहाँ है करके। इस फेरी राइड के लिए 2-5 मिनट के रास्ते के लिए हमने 2 घंटे से भी ऊपर बैठ गया, यहाँ से सिर्फ वहाँ उस स्टैचू तक जाने के लिए, उस टेम्पल तक।
चेयर्स चेयर्स आइसक्रीम और अब हम दो तीन दिनों से इतना सारा घूमने के बाद अब हम लोग घर अपने वापस चल रहे हैं। दर्शन बहुत किया हमने, वहाँ गए हम लोग सबसे पहले मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, उसके बाद हम लोग गए रामेश्वरम, वहाँ पे हमने दर्शन किए, वहाँ कई मंदिर थे हमने वहाँ दर्शन किए। उसके बाद अब हम लोग कन्याकुमारी आए, वहाँ हम लोगों ने पूरा घूमा। स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर में गए, मंदिर टेम्पल स्थान जो भी है वो कह लीजिए, और यहाँ नज़ारों के नज़ारे लेते चलिए। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, विंड मिल कितने अच्छे दिख रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल भरा लेते हैं, और फिर अभी शाम हो गई है, खाने का जुगाड़ करते हैं। अब आगे चलते हैं और खाना देखते हैं। यहाँ पे मिल तो गया है एक होटल, तो अंदर चलिए और खाना खा लेते हैं, अब फिर निकलते हैं अपनी। और गाइस मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए रोके हैं, वरना नहीं रोकते। हाँ, दीक्षा को भूख लगी थी। चलो फाइनली हम लोगों का ट्रिप फिनिश हो गया, बहुत अच्छे से फिनिश हो गया। और आने के बाद 3:30 हो रहे हैं और ये लोग ये काम कर रहे हैं, और मेरे लिए ये काम है, सब फैला हुआ है, सब इकट्ठा करना है। इनका हेयर बैंड देख लीजिए, हेयर बैंड दिखाना चाह रही हैं अपना। चलो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।